आप सभी का फ्रिस्ता अटायर में स्वागत है। तो आप सभी को मैं आज घर पर मशीन में कैसे बटन बनाया जाता है वो बताऊंगी। तो ये मशीन आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट में भी इजीली अवेलेबल है और मार्केट से भी आपको मिल जाएगी। अगर आप मार्केट में लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपको साथ साथ डाई कैसे यूज़ की जाती है वो आपको बताएंगे। मार्केट में आपको बहुत तरह की मशीनें मिल जाएंगी, रेंज 600 से 1000 के बीच में। डाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने 16 और 18 की डाई ली है। बटन बनाना जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल है नहीं। आप इजीली अपने पसंद के फैब्रिक के साथ अपने घर पर बैठ के बटन बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं 16 और 18 के साइज़ के। मैं आपको इन्हीं से बटन बनाना बताऊँगी। ये 16 की डाई है और 18 की डाई है, ये सारे उसके अटैचमेंट्स हैं। मैं अभी आपको बनाते हुए दिखाती हूँ कि कैसे इनको लगाना है। ये कुछ बटन हैं जिन पे फैब्रिक लगाकर हम बनाएंगे। ये दो साइज़ के बटन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मशीन को असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम बेस पर इस पार्ट को फिक्स करेंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे और चेक करेंगे कि ये हिले ना। उसके बाद ये 18 नंबर की डाई है, ये लोअर पार्ट है, स्प्रिंग है, इसके अंदर डालेंगे स्प्रिंग के अंदर और बेस पर लगा देंगे। अब हमें बटन लेना है। बटन के दो पार्ट होते हैं, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। पहले हम लोअर पार्ट को नीचे वाले होल में डाल देते हैं और अपर पार्ट पे हम फैब्रिक लगाते हैं। तो फैब्रिक लेकर हम उसको अच्छे से रैप करेंगे टाइट कर। इसको रैप करने के बहुत तरीके होते हैं, कुछ लोग धागा भी बांधते हैं, बट मैंने जो सीखा था वो इसी तरह से सीखा था और ये बहुत आसान है। इसमें कोई धागा नहीं बांधना, बहुत टाइट करके आप फैब्रिक को अच्छे से करेंगे। और देखिए मैंने किया है, मैंने आपको दिखाया, आप भी ऐसे ही करिए, बहुत आसानी से बन जाता है। अब आप लोअर पार्ट को लेकर उस होल के अंदर फिक्स करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। उसके बाद इस स्प्रिंग वाले पार्ट को आप उसके ऊपर रख देंगे। फिर जो बटन आपने टाइट करके बनाया था उस बटन को उसके ऊपर रखना है। देखिए आप किस तरीके से रखा है मैंने। उसके बाद अपर पार्ट है, इसको इस तरीके से फिक्स करना है और उस बटन के ऊपर उल्टा रख देना है। जहाँ पर बटन रखा है अच्छे से सेट करके आप उसके ऊपर रख दीजिए। उसको अच्छे से सेट करना है। जब अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद आपको मशीन को अच्छे से एक बार ही प्रेस करना है। फिर आपको देखना है कि बना है कि नहीं। देखिए आप कितना अच्छा बटन बनकर तैयार हुआ है, देखिए। तो आप घर बैठकर बहुत आसानी से हर फैब्रिक का अपनी पसंद से बटन बना सकते हैं। और बहुत इसमें दो तीन तरह के बटन होते हैं, फिलहाल मैंने आपको एक ही तरह का बटन बनाना सिखाया है। तो मैं आपको एक और बटन बनाकर बताती हूँ। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't.